दोस्तों, तारक मेहता शो में हर बात पर सही बात कहने वाले डॉक्टर हंसराज हाथी अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है सभी तारक मेहता शो के मेंबर्स, उनकी फैमिली और सभी फैंस के लिए कि अब उनको फिर से सही बात है ये वाला डायलॉग सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, रिसेंटली ही आसित कुमार मोदी ने मीडिया को बताया कि एक्टर कवि कुमार आजाद को डॉक्टर हंसराज हाथी के रोल के लिए तारक मेहता शो में कैसे सेलेक्ट किया गया। उन्होंने बताया कि जो पहले डॉक्टर हाथी का रोल कर रहे थे उनके साथ डेट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके बाद से उन्हें तारक मेहता शो छोड़ना पड़ा। और फिर इसके बाद आसित कुमार मोदी ने फिल्म जोधा अकबर में कवि कुमार आजाद को देखा था और उन्होंने बताया कि चालू पांडे ने मुझे उनसे मिलवाया था और इस तरह से हमने डॉक्टर हाथी के रोल के लिए उनको कास्ट किया था। दोस्तों, डॉक्टर हाथी तारक मेहता शो से पहले कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, जैसे कि मेला, जोधा अकबर और भी कई रीजनल फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। कवि कुमार आजाद बिहार से बिलोंग करते थे और एक्टिंग के साथ साथ ही उन्हें कविताएं लिखने का भी बहुत शौक था। दोस्तों, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर प्रेस कर दें। उसके साथ वाली बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।